धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके के गांव कुंकराम मांकरा में खेत जोतने को लेकर आज शुक्रवार को दो पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े में दोनों पक्षों से एक दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। जो जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है उस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा जता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया गया है। घायलों को सेपऊ सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया। मांकरा निवासी रणवीर ठाकुर के पक्ष का दावा है कि उसके परिवारजन और वह पिछले 50 साल से अधिक समय से जमीन पर काश्त करते आ रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उन्हें वर्ष 1989 में तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रेम सिंह मेहरा के द्वारा खेती के लिए पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं होने के कारण उक्त जमीन को मांकरा निवासी लोग करते आ रहे हैं। फिलहाल जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कब्जे को लेकर हाल ही में कई दिनों से कुंकरा निवासी जाटव समाज के लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सन 1989 में तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रेम सिंह मेहरा के द्वारा इलाके के बीहड़ में पिछड़ा वर्ग के लोगों को खेती के लिए पट्टे जारी किए गए थे। पट्टाधारियों द्वारा जमीन पर कब्जे नहीं लेने से इलाके के कई गाँवों में इस तरह के विवाद आज भी बने हुए हैं। झगड़े को लेकर थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद दोनों तख्तों के लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर SDM कोर्ट से पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी। चूंकि जमीन संबंधी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए पुलिस ने न्यायालय के निर्णय आने तक दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की बात कही थी। शुक्रवार को कुंकरा निवासी जाटव समाज के लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर मांकरा के बीहड़ में मौजूद खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकले थे, जिसकी भनक मांकरा निवासी रणवीर बगेरा को हो गई। उन्होंने तत्काल पुलिस थाना पहुंचकर झगड़े होने की संभावना जताते हुए पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर झगड़े को रोके जाने की मांग की है। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंच पाती उससे पहले ही खेत जोतने पहुंचे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराकर जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ उपाध्यक्ष अमरीश भगेल का जन्मदिवस पर गांव टीकतपुरा में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों ने बधाई दी। ग्रामीणों एवं भगेल समाज द्वारा सभी को मान सम्मान दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अमित मुद्गल, भगेल समाज जिलाध्यक्ष सुरेश चंद भगेल, महामंत्री महेश चंद भगेल, कोटपुरा सरपंच प्रतिनिधि माता प्रसाद भगेल, समाजसेवी हरप्रसाद भगेल, छात्र संघ अध्यक्ष सोनू गुर्जर, संयुक्त सचिव आयुष शर्मा, शिव सिंह भगेल, विनेश भगेल, किशोर शर्मा, सुरेश भगेल, लटूरी सूरज सिकरवार, प्रशांत भगेल, योगेश पंडित, मोनू भगेल, रानू कोलुआ, मानसी यादव एवं NSUI टीम युवा कांग्रेस आदि मौजूद रहे। युवक की फेसबुक पर हुई महिला से दोस्ती, मिलने के बहाने बुला किया अपहरण, हनी ट्रैप में फंसाकर मांगी 5 लाख की फिरौती। सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ापुरा जंगलों से कराया मुक्त। सरमथुरा दौसा जिले के बसवा थाना इलाके के गाँव पुजरियों की ढाणी केशवपुरा में अपहृत एक व्यक्ति को सरमथुरा थाना पुलिस ने मुक्त कराया है। पुलिस ने दो अपहर्ताओं को भी राउंडअप कर बांधीकुई पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि हनी ट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण किया गया था। इस मामले में अपहर्ताओं ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि बसवा थाना इलाके के गाँव पुजारियों की ढाणी केशवपुरा के दिनेश शर्मा की सोशल मीडिया फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई। महिला ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर मिलने के लिए करौली बुलाया, जहां वरूला थाना लागरा करौली निवासी राजू मीना और पदमपुरा थाना सरमथुरा निवासी रामदास मीना ने दिनेश का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने युवक के परिजन से 5 लाख की फिरौती मांगी थी। इस संबंध में अपहृत युवक के परिजन ने बांदीकुई थाने में मामला दर्ज कराया था। गुरुवार को थाना बांधीकुई से अवगत कराया गया कि अपहर्ताओं की लोकेशन सरमथुरा क्षेत्र के बड़ापुरा गांव के पास आ रही है। इस पर सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ा
पुरा के जंगलों से अपहर्ताओं को पकड़ अपहृत दिनेश को मुक्त करा लिया है। पुलिस द्वारा मुक्त कराए गए युवक से पूछताछ में बताया कि फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद महिला ने उसे गुरुवार सुबह मिलने के लिए करौली बुलाया था, जहां करौली में जब्बा मेला के साथ जा रहा था, तभी उसका दो युवकों ने रास्ते में अपहरण कर लिया। सरमथुरा थाना पुलिस ने तीनों को बांदीकुई थाना पुलिस के सुपुत्र कर दिया है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी अनिल गौतम, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल वासुदेव सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से सोनी की रिपोर्ट। कर्मचारियों की हुई पदोन्नति, धौलपुर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर राजस्व विभाग के 7 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 9 वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 14 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध रिक्त पदों पर पदोन्नति दी गई है, जिसके अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर ऋतुराज शर्मा, विनोद कुमार माहेश्वरी, अमर सिंह, रामजीलाल शुक्ला, मुन्नालाल, अमर सिंह सिकरवार एवं रामकिशोर पाठक को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर शैलेंद्र यादव, राजेंद्र बाथम, मजहर खान, हमीर सिंह, विनय कुमार श्रीवास्तव, जगदीश शर्मा, सुनील कुमार सिंह, नीतू श्रीवास्तव, हेमलता को पदोन्नत किया गया है। कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर विश्वेंद्र सिंह, प्रीति भगेल, संदीप कुमार सवत, नेमीचंद गोस्वामी, महावीर सिंह, पुत्रा तेज सिंह, गौरव शर्मा, देशराज सिंह गुजर, राजेश कुशवाहा, विक्रांत मिश्रा, महावीर गर्ग, रामनिवास सिंह, सचिन कुमार धौर्य, रामेंद्र सिंह, महावीर सिंह, पुत्रा देवी सिंह को पदोन्नत किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर संजय कुमार तथा आस मोहम्मद को पदोन्नत किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का हुआ शुभारंभ। धौलपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की दर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आज से लागू हो गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जिले में शुभारंभ जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अम्बेडकर भवन सागरपाड़ा में हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र के लोग रोजगार प्राप्त कर सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। आवेदन के आधार पर संबंधित परिवार का इस योजना में पंजीकरण किया गया, जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र व्यक्ति को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त नगर परिषद लजपाल सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपसभापति माया शर्मा, साकेत बिहारी शर्मा, धनेश जैन सहित अन्य पार्षद गण व कार्मिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। और बेरोजगारी कम होगी तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी और इस योजना का आप लाभ उठाएं। 18 से 60 वर्ष तक के उम्र के बच्चे और पुरुष और महिला इसमें भाग ले सकते हैं। जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन, गणपति बप्पाओं का हुआ विसर्जन। सरमथुरा में आज पिछले 9 दिन से चल रहे गणेश महोत्सव का आज समापन हो गया। भक्तों के द्वारा धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया और भंडारे आदि का आयोजन किया गया। वहीं खरेर नदी पर सभी गणेश प्रतिमाओं का विधिपूर्वक विसर्जन किया गया और भक्तों के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय कार्य लगाए गए। वहीं इसी संदर्भ में हमारे चंबल प्रभा न्यूज के रिपोर्टर विष्णु सोनी के निवास सबलगढ़ हाउस पर भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली एवं समस्त पत्रकार बंधुओं सहित सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान विजय सोनी, गौरव बंसल, सुनील बंसल, पंकज स्वामी, नीरज सोनू सोनी, गिराज युवराज सोनी, जगदीश बंसल, विक्की स्वामी, युवराज सोनी, बॉबी सोनी, संजय सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, 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 अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। नोट:
रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी भसेड़ी सरमथुरा सेतव राजाखेड़ा मनिया मरीना बसई नवाब कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 48,000 में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं बाइक, वह भी सामान किश्तों में एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर चलने की क्षमता, फाइनेंस की सुविधा। पुरानी गाड़ी लाओ नई ले जाओ, 3 साल की गारंटी, पहले आए पहले पाए, ट्रेस ड्राइव भी करें। इस त्योहार पर साथ में पाए एक गिफ्ट कूपन जिससे आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन मनिया राजाखेड़ा बाड़ी मसेड़ी। हमारा पता है होप इलेक्ट्रिक सिद्धि विनायक मोटर्स बाड़ी रोड धौलपुर। प्रॉपराइटर विनय गोयल। मोबाइल नंबर 9694957331। धौलपुर के कोलारी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। जिस अभियान के तहत पुलिस को गुरुवार देर शाम सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ कोलारी कस्बे में घूम रहा है जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद थाने में थाना प्रभारी के साथ हेड कांस्टेबल हरवान सिंह और 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिले। प्राथमिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम सचिन पुत्र बिजेंद्र गुर्जर निवासी सिघरावली थाना गड़ी बाजरा जिला भरतपुर बताया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डाइट में आयोजित हुआ FLN मॉड्यूल प्रशिक्षण शिविर। डाइट धौलपुर में FLN मॉड्यूल आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 7 से 9 सितंबर तक किया गया, जिसमें डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि हम सभी को आनंददायी शिक्षण के द्वारा शिक्षा की नींव को मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना है ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर देश के मजबूत नागरिक बन सके। CMDE प्रभारी नरेंद्र शर्मा वरिष्ठ व्याख्याता ने सभी संभागियों को NEP 2020 और FLN की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए जैसे नवाचारों को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया। वरिष्ठ व्याख्याता अनिल शर्मा ने बताया कि आप सभी जिम्मेदार शिक्षक हैं, आप अपने अनुभवों के साथ शिक्षण में बच्चों को जोड़े। शिविर में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे राजेश शर्मा ने बच्चों में जीवन कौशल और मूल्यों के माध्यम से बेहतर और उपयोगी नागरिक बनाए। राज्य संदर्भ व्यक्ति संदीप शर्मा ने भी गतिविधि आधारित शिक्षण पर मॉड्यूल को संपन्न कराया। इस अवसर पर डाइट पुष्पेंद्र सहाय, नवल सिंह राठौर, अनुराग सक्सेना, दयाराम, गौरव मीणा तथा समस्त संभागी मौजूद थे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। बाड़ी राज्य सरकार द्वारा पहली बार मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में इस योजना का विधिवत शुभारंभ भसेड़ी रोड से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि यह योजना गरीब तबके के लिए एक वरदान साबित होगी और हर गरीब मजदूर वर्ग को अपने ही शहर में रोजगार मिलेगा। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में 1956 लोगों के जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 582 लोगों ने रोजगार के लिए डिमांड की है, जिनमें से प्रथम दिन 150 श्रमिकों को रोजगार हेतु मस्टर रोल जारी की गई है। और बताया है कि हमारी टीम के तपेश भिदूड़ी व सुमित तिवारी द्वारा हर कार्य मांगने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द कार्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस दौरान उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता कैलाश चंद्र पाराशर, वॉइस चेयरमैन अहमद जमा खां, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, अश्विनी कुमार पाराशर, यादवेंद्र सिंह तोमर, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, रूकमपाल सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी सहित समस्त वार्ड पार्षद एवं कार्मिक सहित शहर के गणमान्य नागरिक व श्रमिक उपस्थित रहे। प्रकृति का अद्भुत नजारा, बिन मौसम नीम के पेड़ पर आ रहे हैं फूल एवं पानी के साथ निकल रहे छाव। धौलपुर जिले के माफल का पूरा गांव में आज एक कुदरत का अजीब नजारा हमें देखने को मिला, जहाँ एक नीम के पेड़ पर
बेमौसम ही फूल आने लगे हैं और साथ ही तने से पानी के साथ साथ झाग भी निकल रहे हैं। वही इसी संदर्भ में ग्रामीणों ने हमें बताया कि गांव में उनके द्वारा यह नजारा पहली बार देखा गया है। साथ ही जैसे ही यह सूचना आसपास के ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण भी पेड़ के पास इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे। वही साथ ही पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से तने से झाग निकलने और पानी झरने एवं फूल आने को लेकर गांव के ये कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यह या तो कोई देव प्रकोप है या भगवान का प्रकोप या कोई आने वाली विपत्ति का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज हम आए हैं धौलपुर जिले के मापलकपुरा गांव में। यहाँ एक चमत्कार है। इस पेड़ पर आज तारीख है 9 सितंबर 2022। इस नीम के पेड़ पर ये फूल आ रहा है। पूरे पेड़ पर फूल है और पेड़ से पानी निकल रहा है। इस पेड़ से लगातार ये पानी और झाग निकल रहा है। ये लगातार 4 दिन से पानी निकल रहा है पेड़ से और झाग निकल रहे हैं। ये बंद नहीं हो रहा है। इस पेड़ से ये पानी और झाग लगातार चल रहे हैं 3 दिन से। लोगों की ये मान्यता है कि ये कोई देवी प्रकोप है या भगवान का प्रकोप या कोई भविष्य में आने वाली विपत्ति का संकेत। ये लोगों के दिलों में आज भी ये रहस्य बना हुआ है। ये फूल आ रहा है पेड़ में, नीम के पेड़ में, सितंबर के महीने में, जो कि नहीं आना चाहिए। ये पानी लगातार इसमें से 4 दिन से टपक रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ रो रहा है, इसका क्या कारण है? हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।